नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और आज हम लोग मछली बनाने जा रहे हैं। आज आप लोगों को टेस्टी मछली का रेसिपी बताएंगे कैसे बनाना है। मछली लेके हम लोग पहुँच गए हैं। राहुल भाई धो रहे हैं अभी, और कितने बार धोए? चार पांच बार हो गया है। इसके बाद अब अच्छा से धोआ गया है मछली, उसके बाद अब इसको अब हल्दी से लपेटेंगे, फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा बढ़िया से। आगे का कार्यक्रम हल्दी मछली में डाल रहे, फिर मिलाएंगे, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या डालेंगे, उसके बाद लहसुन मिलाएंगे, उसके बाद पूरा मिक्स करके थोड़ा सा रहने देंगे, उसके बाद फिर फ्राई व्राई करेंगे। ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। लकड़ी का चूल्हा था, आज हम लोग मछली बनाएंगे। आग जला लिए हैं, इसके बाद अब मछली फ्राई करना है, उसके बाद अब और उधर क्या छोटू भाई क्या कर रहे हैं, सर छोटू भाई सरसों पीस रहे हैं। बस अब तल मछली को तलना है, इसमें आग जल गया है, अब मछली फ्राई होने का तैयारी में है। हाँ हो गया, अब डालिए ना, अब डालिए, चार पांच पीस करके डालिएगा ना। लकड़ी का मैं बनाने का कुछ टेस्ट ही अलग है। अरे हमारे छोटू भाई हुए, अरे इधर दोनों चुन्नू मुन्नू लोग खेल रहा, मस्ती कर रहा है, ये लोग इधर उधर मत जाओ ना तो पक जाएगा उधर। अब प्रोसेस हो चुका है मछली तलाने का, वीडियो में बने रहिए पूरा लास्ट तक, मज़ा आएगा। क्या राहुल भाई, मछली का लकड़ी में बनाने में मज़े कुछ अलग है। हो गया, क्या डाल जा रहा है, बस बस ठीक है, कम कम दीजिए ताकि टूटे ना क्या। हम लोग आज बाहर में पिकनिक मना रहे हैं, हम लोग ठीक है, कम करना है आँच क्या। अरे यार बहुत ज़्यादा जल रहा है ना। अरे लकड़ी डाल दिए थे क्या, लकड़ी कहाँ डालें जी, एक लकड़ी डालने की है तभी तक चुन्नू मुन्नू सब चुन्नू मुन्नू नाम रखे। फ्राई हो गया है मछली, देखिए अभी बाकी है, अभी आग जलाइए, ख़त्म हो गया आग जलाइए अंदर की, और बाकी है अभी, और दो तीन बार तलने के लिए बाकी है, और अभी ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, मछली भात खिलाएंगे आप लोग को। कर रहा कैसा लग रहा है राहुल भाई, मज़ा आ रहा है। नमक रहता तो और मज़ा आता, नमक थोड़ा सा कम हो गया लगता है। हाँ मछली के बीच में भूख लग गया है, तो बस क्या बोलते हैं इसको, चिप्स। हाँ हो गया हो गया हो गया, चिप्स उतार रहे हैं, इसको थोड़ा सा खाने के समय में ही ले लेंगे, और मछली और हर एक बार तलना बाकी है। उसके बाद हम लोग मसाला वगैरह फ्राई व्राई करेंगे। हम लोग का चावल बन गया है, चावल बन गया है, अब उसके बाद अब जो मसाला वगैरह तलना है, उसके बाद ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। लकड़ी से बना रहे हैं हम लोग, लकड़ी का खाना बना हुआ स्वादिष्ट टेस्टी जो कहते हैं बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग आज लकड़ी में बना रहे हैं। लकड़ी जलना बंद कर गया है, कौन डाले क्या, कम हो गया, और डालिए। हाँ दोस्तों, ये इसमें क्या क्या है, इसमें राहुल जी प्याज पिसा हुआ, सरसों और लहसुन, सरसों लहसुन, उसके बाद मछली का तो पूरा फ्राई कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसमें क्या क्या पेस्ट है इसमें जी, इसमें गरम मसाला, गरम मसाला है,
नमक है, हल्दी भी है, मिर्चा पाउडर, अगर सब इसमें मिक्स पेस्ट पेस्ट करके इसमें डाला हुआ है। उसके बाद हम लोग प्याज को मिक्सी में ही करके अब उसका मसाला को फ्राई कर रहे हैं अभी। अब इसमें थोड़ा सा लगेगा 15-20 मिनट, उसके बाद फिर आगे मछली इसमें डलाएगा। टमाटर भी डलाएंगे, टमाटर अभी बाद में डालेंगे ना, टमाटर अभी थोड़ा देर बाद में डालेंगे अभी। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। रेडी हो गया है अब इसको, टमाटर वगैरह सब इसमें डला गया है, धनिया पत्ती आ गया है, धनिया पत्ता वगैरह छोटू भाई लेते आए हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन अब है मछली डालना इसमें। उसके बाद ग्रेवी रेडी हो गया है, ग्रेवी रेडी होने के बाद अब मछली डाल रहे हैं, मछली पूरा उसमें धीरे धीरे डालिए। राहुल में कढ़ाई में तो पूरा भर जाएगा जी, हमको लगता है। धीरे धीरे डालिए, रेडी हो चुका है ग्रेवी। अब ग्रेवी हम मछली डाल रहे हैं, उसके बाद फिर 5-10 मिनट रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। और बस लास्ट ऑप्शन है, ब्लॉग में बने रहिए। पूरा कंप्लीट हो गया, बस 5-10 मिनट बाद हम लोग का मछली तैयार हो जाएगा। ओके गाइज, बने रहे हैं। और लास्ट में बस अब धनिया पत्ता डालना है, जो कि धनिया पत्ता यहाँ पे धोकर रखा हुआ है, उसके बाद लास्ट में धनिया पत्ता डाल देंगे, उसके बाद हम लोग का मछली तैयार हो जाएगा। गाइज, मेरा दूसरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।